वेलकम टू श्री जी क्रिएशन। आज मैं आपको सर्दियों के दिनों में कई लोगों को सर्दी और खांसी का जो प्रॉब्लम होता है उसके लिए एक होम रेमेडीज बताने वाली हूँ, जिससे आपको खांसी में बहुत ही जल्दी से राहत मिलेगी और इसे बनाना भी बहुत ही ईजी है। तो चलिए उसे किस तरह से बनाना है वो हम देख लेते हैं। इसे बनाने के लिए मैंने 25 से 30 तुलसी के पत्ते लिए हैं, जिसे हमें धो के साफ कर लेना है। अदरक लिया है और अजवाइन ली है। तो सबसे पहले मिक्सी का छोटा वाला जार हम ले लेंगे। अब ये मिक्सी जार में हम सबसे पहले 1/2 टीस्पून अजवाइन ऐड करेंगे। तुलसी के पत्ते जो हमने वॉश करके रखे हैं वो इसमें ऐड कर देंगे। जो अदरक हमने लिया है उसमें से 2 इंच जितना अदरक हमें लेना है। इसे छिलने की ज़रूरत नहीं है, इसे इस तरह से छोटा छोटा कट करके ऐड कर देंगे। अब इसे बिना पानी के ही क्रश कर लेना है। एक बार इसे मिक्स कर लेंगे। तीन टेबलस्पून जितना पानी ऐड कर देंगे और फिर से इसे क्रश करेंगे। ये क्रश होके रेडी है। अब इसे छान लेना है। इसे अच्छी तरह से स्क्वीज कर ले। अब इसे यूज कैसे करना है वो मैं आपको दिखाती हूं। एक बाउल में हम 1/2 टीस्पून हल्दी ले लेंगे। 1 टीस्पून हनी ऐड करेंगे। अगर आप हनी नहीं लेना चाहते तो थोड़ा गुड़ भी ऐड कर सकते हैं। जो मेजरिंग स्पून आती है वो हम ले लेंगे। जो रस हमने बनाया उसे एक बार मिक्स कर ले। 2 टेबलस्पून तुलसी का रस इसमें ऐड करेंगे। इसे अच्छी तरह से मिक्स कर ले ताकि हल्दी, हनी और ये रस सभी अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। अब ये पीने के लिए रेडी है। अगर आप छोटे बच्चे को, 8 साल से छोटे बच्चे को देना चाहते हैं तो इसे आपको 1 टेबलस्पून देना है, और 8 साल से बड़ी उम्र के लोगों को आप देना चाहते हैं तो अभी मैंने जो मेजरमेंट दिखाया वो आप ले सकते हैं, 2 टेबलस्पून। और अगर आप वर्किंग पर्सन है और आपको सुबह शाम बनाने का टाइम नहीं मिलता तो आप इसे बना के रख सकते हैं, और जब आप इसे पीते हैं उसी टाइम पे आप उसमें हल्दी और हनी ऐड करें। और अगर आपके पास टाइम है तो फ्रेश बना के पीते हैं तो ज़्यादा अच्छा है। इसे आपको सुबह, दोपहर, शाम, दिन में 3 बार बना के पीना है, और 4 दिन आप इसे पियेंगे तो आपको सर्दी और खांसी में 90-95% जितनी राहत मिल जाती है। आई होप आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आया होगा। इसी तरह के और नए नए वीडियो सीखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।